ये है दिल्ली दर्पण। दिल्ली में लोक निर्माण विभाग द्वारा करीब 20 लाख रुपए की लागत से बी ब्लॉक शकुरपुर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वार से लेकर ए ब्लॉक एमसीडी ऑफिस तक रोड नंबर 43 की सर्विस रोड की डेंस कारपेंटिंग करने का उद्घाटन किया गया। इस रोड का उद्घाटन क्षेत्र में आम आदमी पार्टी के विधायक जितेंद्र सिंह तोमर और इलाके के निगम पार्षद अशोक गंगवाल की मौजूदगी में स्थानीय लोगों से करवाया गया। स्थानीय लोगों द्वारा विधायक और निगम पार्षद का मालाओं से स्वागत किया गया। उसके बाद बारी बारी से नारियल फोड़कर रोड की डेंस कारपेंटिंग का उद्घाटन किया गया। कम से कम 15-20 साल हो गए इस रोड के और इसका बहुत बुरा हाल है। इससे आगे जो सर्विस रोड है वो भी हमारे लोकप्रिय विधायक श्री जितेंद्र सिंह तोमर जी के कर कमलों द्वारा बनी और आज इस रोड का जो नव निर्माण हो रहा है वो 20 लाख रुपए की लागत से हो रहा है पीडब्ल्यूडी के द्वारा। ये अंबेडकर द्वारा यहाँ से और ए ब्लॉक जो एमसीडी ऑफिस। कब तक बनकर तैयार हो जाएगा ये? आप बहुत जल्दी कर देंगे, बहुत ही जल्दी कर देंगे। ये तो हमारे तो जो लोकप्रिय विधायक मौके पर पहुंचे क्षेत्र के विधायक जितेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि उनका काम लोगों की परेशानियों को कम करना है। साथ ही उन्होंने बताया कि इस कार्य के साथ और क्या क्या होगा, साथ ही आगे के लिए उनकी क्या कार्य प्रणाली होगी। ये जो सर्विस रोड है, ये नाम तो सर्विस रोड है पर बहुत चौड़ी रोड है और बड़ी रोड है जिसको बहुत लोग इस्तेमाल करते हैं। ये तो यहाँ के लोग बता रहे हैं कि 25 साल से कभी बनी नहीं, तो अब ये यहाँ डेंस कारपेटिंग हो रही है। इसमें ये जो हमारा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वार है यहाँ से लेके और जो रेड लाइट है सम्राट इंगदेव की, वहाँ तक पूरी सड़क को डेंस कारपेटिंग करेंगे। साइड में जो इसके वो है फुटपाथ है उसको बढ़िया बनाएंगे, टाइल वाइल लगा के उसको बहुत बेहतरीन रोड बना देंगे। फिलहाल शकुरपुर वासियों के लिए रोड की मरम्मत होना खुशखबरी है और शायद इसीलिए इस उद्घाटन के मौके पर आदमियों के साथ साथ सैकड़ों की तादाद में महिलाएं भी शामिल हुई। दिल्ली दर्पण टीवी के लिए योगेंद्र कुमार की रिपोर्ट। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.dailydarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर